अब सुप्रीम कोर्ट में 24 घंटे मामले दाखिल किए जा सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय में ई फाइलिंग 2.0 सेवा की शुरुआत की गई है। इस मौके पर उन्होंने देश भर में ई अदालतों और मामलों की ई फाइलिंग पर जोरदार वकालत की है। मुख्य न्यायाधीश ने वकीलों से कहा कि अब इलेक्ट्रॉनिक रूप से मामले दायर करने की सुविधा 24 घंटे तक उपलब्ध रहेगी। उन्होंने शीर्ष न्यायालय परिसर में ई सेवा केंद्र का भी उद्घाटन किया है। ये सुविधाएं सभी वकीलों के लिए भी 24 घंटे उपलब्ध रहेंगी। मुख्य न्यायाधीश ने ये भी कहा कि जिन वकीलों के पास ये सुविधाएं नहीं हैं और जो तकनीकी से परिचित नहीं हैं, उनकी मदद के लिए 2 सुविधा केंद्र भी खोले जाएंगे। मुख्य न्यायाधीश ने अदालत की कार्यवाही की शुरुआत में कहा कि सभी वकीलों से ई फाइलिंग 2.0 का इस्तेमाल करने का मैं आग्रह करता हूं। इस मौके पर अदालत में मौजूद भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अन्य वकीलों ने शीर्ष न्यायालय के इस कदम की प्रशंसा की है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि न्यायालय परिसर में खोले गए ई सेवा केंद्र से कोई भी व्यक्ति न सिर्फ ई फाइलिंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से मामले दर्ज कर सकता है, बल्कि देश भर में किसी भी अदालत या न्यायाधिकरण में लंबित मामलों की स्थिति का भी जायजा ले सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट में 24 घंटे मामले दाखिल किए जा सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय में ई फाइलिंग 2.0 सेवा की शुरुआत की गई है। इस मौके पर उन्होंने देश भर में ई अदालतों और मामलों की ई फाइलिंग पर जोरदार वकालत की है। मुख्य न्यायाधीश ने वकीलों से कहा कि अब इलेक्ट्रॉनिक रूप से मामले दायर करने की सुविधा 24 घंटे तक उपलब्ध रहेगी। उन्होंने शीर्ष न्यायालय परिसर में ई सेवा केंद्र का भी उद्घाटन किया है। ये सुविधाएं सभी वकीलों के लिए भी 24 घंटे उपलब्ध रहेंगी। मुख्य न्यायाधीश ने ये भी कहा कि जिन वकीलों के पास ये सुविधाएं नहीं हैं और जो तकनीकी से परिचित नहीं हैं, उनकी मदद के लिए 2 सुविधा केंद्र भी खोले जाएंगे। मुख्य न्यायाधीश ने अदालत की कार्यवाही की शुरुआत में कहा कि सभी वकीलों से ई फाइलिंग 2.0 का इस्तेमाल करने का मैं आग्रह करता हूं। इस मौके पर अदालत में मौजूद भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अन्य वकीलों ने शीर्ष न्यायालय के इस कदम की प्रशंसा की है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि न्यायालय परिसर में खोले गए ई सेवा केंद्र से कोई भी व्यक्ति न सिर्फ ई फाइलिंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से मामले दर्ज कर सकता है, बल्कि देश भर में किसी भी अदालत या न्यायाधिकरण में लंबित मामलों की स्थिति का भी जायजा ले सकता है। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वार्ता एनी ग्लोबल। धन्यवाद।